सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र में बीती 24 मई को हुई हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में आज आरोपी प्रेम चेरो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मृतक लक्ष्मण चेरो की हत्या जादू टोना करने के शक में अंधविश्वास के चक्कर में आकर कर दी थी। आरोपी के 4 वर्ष के छोटे बेटे की मौत पिछले साल हो गई थी और उसके बाद उसकी एक भैंस और गाय भी मर गई। आरोपी प्रेम चेरो को शक था कि इन सब की मौत का जिम्मेदार लक्ष्मण चेरो था। उसका मानना था कि लक्ष्मण चेरो ने झाड़ फूंक की वजह से उसके बच्चे और मवेशियों की मौत हुई। इसी वजह से गुस्से में आकर बीती 24 मई को उसने एक बड़े पत्थर से सिर कूच कर हत्या कर दी, जब वह नशे की हालत में घर से बाहर था। पुलिस ने आज आरोपी प्रेम चेरो को कोन थाना क्षेत्र इलाके से ही गिरफ्तार किया है। थाना कोन अंतर्गत चौथी रानी डी में 24 तारीख के दिन रात को 11 बजे घटना हुई है। लक्ष्मण चेरो नाम के एक 60 वर्षीय पुरुष आदमी को पत्थर से उनका सर उछल कर मार दिया गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, बहुत ही इंटीरियर में वो जगह मौजूद थी जहाँ पुलिस को बहुत मुश्किल से पहुंचा जा सका। वहाँ एक पता चला कि इसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। तुरंत FIR रजिस्टर की गई और इंस्पेक्टर कोन के द्वारा विवेचना ग्रहण किया गया और 3 दिन के अंदर इस अज्ञात मर्डर को वर्कआउट किया गया है। घटनाक्रम ये रहा कि 24 तारीख के दिन ये लोग लक्ष्मण जीरो अपने परिवार जनों में एक शादी में गए थे और वहाँ से लौटते समय ये शराब के नशे में एक जगह लेट गए थे। तो इन्हीं के जानने वाले इनके जो दूर के रिश्तेदार लगते हैं, इनका नाम प्रेम चेरो है, ये वहाँ से लौट रहे थे। इनमें प्रेम चेरो का ये मानना था कि पिछले वर्ष जो उनके एक बेटे की डेथ हुई है और उसका ये कारण समझते थे कि लक्ष्मण चेरो द्वारा झाड़फूंक का काम किया जाता था और झाड़फूंक के माध्यम से उनके बेटे को मार दिया गया है, ऐसा प्रेम चेरो का मानना था। उसके अलावा उनके घर के जो जानवर थे वो भी मर गए थे, पिछले वर्ष मर गए थे। उनका मानना था कि झाड़फूंक के माध्यम से ही उनको भी मार दिया गया है। और जब ये उस वक्त लक्ष्मण चेरो वहाँ लेटा हुआ था, इनमें दोनों में कहासुनी होने लगी। लक्ष्मण चेरो ने प्रेम से कहा कि मैंने जो पहले जो किया सो किया है, आने वाले समय में उसके बड़े बेटे को और उसकी पत्नी को भी झाड़फूंक के माध्यम से मार डालूंगा। तो ये सब सुनकर वो अपना आवेश खो दिया और वहाँ बगल में ही पड़ा हुआ है बड़ा सा पत्थर, जो लगभग 17 किलो का वजन का पत्थर है, वो उठाकर लेटा हुआ जो लक्ष्मण चेरो था उसके चेहरे पर मार दिया, जिसका उसका चेहरा पूरी तरह क्रश हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुखबिर की सूचना पर और जानकारी प्राप्त करके प्रेम चेरो को अरेस्ट कर लिया गया है इंस्पेक्टर कोल और उनकी टीम के द्वारा और ये अज्ञात मर्डर का बहुत जल्दी लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर कोल पुलिस ने इसका खुलासा किया है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं और उनको 5,000 रुपए इनाम दिया जा रहा है। सोन मतलब में ओझाई को लेकर काफी मौतें होती है, इस तरह से ओझाओं पे किस तरह की कार्रवाई है जब भी पुलिस के पास इस तरीके की सूचना आती है तत्काल वहाँ अटेंड किया जाता है, क्योंकि सोनभद्र जिला बहुत ही बड़ा जिला है, दूर दूर तक गांव इसके फैले हुए हैं और कई जगह रास्ते खराब होने की वजह से पुलिस बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच पाती है, रास्ते और ब्रिज नहीं होने के कारण। तब भी पुलिस को जब भी कोई ऐसी सूचना मिलती है तुरंत उसको अटेंड कर लिया जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है।